तो ये जो आप पीछे गेट देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं डंग गेट। इसी गेट से गुजर कर आप जाते हैं दीवारी गिरिया तक। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और जाके एक्सप्लोर करते हैं यहूदियों के मक्का को। कब मैं आपको नजर आ रही होगी दीवारी गिरिया, इसकी हैसियत बिल्कुल इनके यहाँ ऐसे है जैसे हमारे यहाँ मक्का की। ये इनका किबला समझ लीजिए कि है कि वहाँ पे आते हैं या के इनके इसके आगे आहोगिरिया करते हैं, अपने मसीहा को पुकारते हैं कि बस मसीहा तू आ भी जा और सारी दुनिया में अपनी हुकूमत जो है वो कायम कर दे, और उसके साथ सर हम मिल के जो है अपने दुश्मनों को तबाह करें, उसको बर्बाद करें और सारी दुनिया में अपना जो है ना राज जो है वो कायम कर दें। यहूदियों और मुसलमानों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। दोनों एक ही खुदा की वहदानियत पर यकीन रखते हैं, एक ही खुदा की पूजा करते हैं, अंबिया पे यकीन है, अलामी किताबों पे यकीन रखते हैं, फरिश्तों पे यकीन है, जिन्नात पे यकीन रखते हैं, और यानी कि ये सिमिलरिटीज़ होनी भी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि दोनों ही फर्स्ट कज़न आपस में। अब आप पूछेंगे वो कैसे। यहूदी हैं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से और ये मुसलमान हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से, और दोनों ही आपस में भाई हैं। इनके वालिद एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो उनकी मुनासबत से ये दोनों आपस में करीबी रिश्तेदार हुए। इसके अलावा हम में और इनमें जो सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं वो ये हैं कि ये भी अपनी इबादत से पहले वज़ू करते हैं और हम भी अब अपनी इबादत से पहले वज़ू करते हैं। ये दिन में 3 दफ़ा इबादत करते हैं और हम दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं। इनके यहाँ भी सूअर का गोश्त हराम है, हमारे यहाँ भी। इनके यहाँ भी शराब हराम है, हमारे यहाँ भी। और इसी तरह हमारे यहाँ जो हलाल गोश्त खाया जाता है, इनके यहाँ जो कोशर खाया जाता है, तकरीबन जो एनिमल को जो स्लॉटर करने का तरीका है वो सेम है इनके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी। बात हो रही है यहूदियों की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली अपने आप को इसराइल कहते हैं, बनी इसराइल, यानी कि इसराइल का ख़ानदान या इसराइल की औलाद। इसराइल कौन है? ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी नाम या उनका लक़ब है। तो इस तरह हम हज़रत याकूब को हज़रत इसराइल भी कह सकते हैं। हज़रत याकूब या हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और इन 12 बेटों से के आगे 12 कबीले बने, और इन्हीं 12 बेटों की जो औलादें हैं वो बनी इसराइल कहलाती है। और एक बात बताता चलूँ कि इनके यहाँ भी ख़वातीन और मर्द हज़रात अपनी अपनी स्पेसिस में इबादत करते हैं, यानी कि इनके यहाँ मखलूत गैदरिंग्स नहीं होती जिस तरह हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ मस्जिद में भी ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए अलग-अलग जगह बनाई जाती हैं, सेम इनके यहाँ भी ऐसा ही है। जिस तरह हमारे यहाँ मदरसों के अंदर मज़हबी तालीम दी जाती है, कुरान पाक पढ़ाया जाता है, इसी तरह इनके यहाँ जो मदरसे हैं उनको बोला जाता है यशीबा, वहाँ पर इनके तौरात पढ़ाई जाती है और इनको मज़हबी तालीम दी जाती है। इसके अलावा इनकी एक और मज़हबी किताब है तालमूद, तालमूद की भी तालीम वहाँ पर दी जाती है। यहूदियों के यहाँ भी मुख्तलिफ सेक्ट्स हैं और इनके मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं। 2 एथनिक ग्रुप्स इनके यहाँ जो हैं सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, या सबसे बड़े ग्रुप्स इनके यहाँ 2 हैं। एक हैं सेफराडिक ज्यूस और दूसरे हैं अश्कनाज़ी ज्यूस। ये अश्कनाज़ी ज्यूस वो हैं जो कि यूरोप से आए हुए हैं, यानी कि जो गोरी नस्ल के ज्यूस हैं, और या रशिया से आए हुए हैं या यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए जो ज्यूस हैं वो अश्कनाज़ी ज्यूस कहलाते हैं। सेफराडिक ज्यूस ये वो ज्यूस हैं जो कि उंदलुस से निकाले गए थे, यानी जब मुसलमानों की 700 साल की हुकूमत के बाद वहाँ पे ईसाइयों ने दोबारा कब्ज़ा कर लिया था, तो ईसाइयों ने हुक्म दिया कि अब यहूदी और मुसलमान वहाँ से निकल जाएं। यहूदी वहाँ से निकल कर आए फिर यहाँ पे तुर्की। अब आप पूछेंगे तुर्की कैसे आ गए, तो उस वक्त ये उस्मानी खलीफा थे, उन्होंने यहूदियों को वहाँ से रेस्क्यू किया था, इनके लिए वहाँ से अपने जो है कश्तियाँ वगैरह भिजवाई, फिर वहाँ से बैठ के ये तुर्की आए। इस वक्त मैं ज्यूश नेबरहुड से गुजर रहा हूँ,
और आपको ये बताता चलूँ कि तारीख में कभी भी मुसलमान और यहूदी में इतनी टेंशन नहीं रही थी जितनी पिछले 100 साल में बढ़ी है। टेंशन की जो सबसे बड़ी वजह है वो है ये कि इसराइल का क़याम जो कि पिछले 100 साल में हुआ था। उससे पहले तो अगर आप तारीख उठा के देखें तो जब यरूशलम उस्मानी खिलाफत का हिस्सा था तब दोनों कौमें आपस में मिलजुल के रह रही थी हारमनी के साथ, मोहब्बत के साथ, दोस्ती के साथ। लेकिन जो पिछले 100 साल के अंदर टेंशन बढ़ी है ना, इसने सारे खित्ते का जो है ना तवाज़ुन वो ख़राब करके रख दिया है। दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ी है, एक दूसरे के इलाकों में नहीं जाते। अब इस जीश नेबरहुड में मुझे घूमते हुए तकरीबन कोई 20-25 मिनट हो गए लेकिन मुझे कोई एक भी अरब मुसलमान नज़र नहीं आया यहाँ पे। इसी तरह जब आप मुसलमानों के इलाके में जाते हैं वो आपको कोई यूज़ नज़र नहीं आता। अच्छा, ऑर्थोडॉक्स यूज़ के बारे में आपको मैं ये बताता चाहूँ कि ये सिर्फ दो कलर की ड्रेस पहनते हैं, वाइट शर्ट होती है और उनका ब्लैक पैंट्स होती हैं, वो ज़्यादातर इसी में मलबूस रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके यहाँ सिर्फ दो ही काम होते हैं, या तो तौरात और तालमूद पढ़ते जाओ, अपनी मज़हबी तालीम हासिल करते जाओ और दूसरा बच्चे पैदा करते जाओ। एक जोड़े को तकरीबन टारगेट दिया जाता है कि एटलीस्ट आप 10 बच्चे होने चाहिए। इस वक्त जूश कम्युनिटी के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यूज़ की बढ़ रही है तेज़ी से, और इसके इनके अंदाजे के मुताबिक आज से तकरीबन 20-25 साल बाद सबसे ज़्यादा तादाद इन्हीं की होगी। दूसरा ग्रुप है सेकुलर लिबरल यूज़, वो इनके मुकाबले में बहुत कम रह जाएंगे, उनकी तादाद बढ़ जाएगी। इनकी तादाद बढ़ने की वजह यह भी है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। ये आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ज़ायोन गेट, जिसको सेहोन गेट भी कहते हैं, और इसी के नाम पे जो यहूदियों की ज़ायनिस्ट मूवमेंट है वो शुरू हुई थी। ये बहुत पुराना गेट नहीं है, ये उस्मानी तुर्क जो खलीफा थे सुलेमान द मैग्नीफिशेंट उनके दौर में ये गेट बनाया गया था। यह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का गेट नहीं है। अभी जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र है, और वहीं पे सारा जो है डेलीगेशन, सारा काफिला वहीं पे जा रहा है, तो मैं भी इनके साथ शामिल हो गया हूँ। तो चलते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र को देखने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी कब्र को इबादतगाह मत बनाना, जैसे कि पुरानी उम्मतों ने अपने नबियों की कब्रों की इबादतगाह बनाया। अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि इन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र को बकायदा एक इबादतगाह बनाया हुआ है। पूरा कमरा तामीर है, वहाँ बैठ के तौरात की तलावत करते हैं और न जाने क्या क्या करते होंगे। तो चलिए अंदर मैं आपको जाके दिखाता हूँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र और वहाँ पर मौजूदा सूरत हाल। बैठा हुआ हूँ ज़ायन गेट के बिल्कुल सामने। मैं आपको कुछ बताता जाता हूँ ज़ायनिस्ट मूवमेंट के बारे में, जो कि यहाँ पे एक जबल जैतून है माउंट ज़ायन, जिससे ये सारी मूवमेंट का जो है आगाज़ हुआ था। बेसिकली ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट थी क्या, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यहूदियों के अंदर एक ग्रुप है, सेकुलर लिबरल जूस का ग्रुप था एक, जिसमें ज़्यादातर बैंकर्स और बड़े मालदार जो जूस थे वो शामिल थे। तो उन्होंने ज़ायनिस्ट मूवमेंट की बुनियाद रखी थी और इनकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी स्विट्ज़रलैंड के शहर बेसल में। तो इन्होंने एक डिमांड रखी कि यहूदी जो हैं वो अपना लैदा वतन हासिल कर लें। हालांकि इनकी जो मज़हबी स्क्रिप्चर्स हैं उनके मुताबिक तो इनको ये कहा गया था कि आपने एक जगह मिलकर नहीं रहना, लेकिन इन्होंने ये डिमांड रख दी कि हमें तो लैदा वतन चाहिए। तो उस वक्त की सुपर पावर थी बरतानिया, उन्होंने उनको ऑफ़र की कि हम आपको एक लैंड ले देते हैं, आप अफ्रीका की किसी, उन्होंने शायद कॉन्टीनेंट अफ्रीका था या कहीं और जगह थी, तो उन्होंने उनको एक जगह ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें तो जगह चाहिए तो फ़लस्तीन, जो हमारे अंबिया की सरजमीन थी, हमारे सारे अंबिया वहाँ पर दफन है, वो हमारा प्रॉमिस्ड लैंड है। उस वक्त यरूशलम उस्मानी खिलाफत का हिस्सा था। इन्होंने इस वक्त के सुल्तान अब्दुल हमीद के पास भी जाके उनको ये पेशकश की कि आप हमें फ़लस्तीन का जितना भी एरिया है वो हमें आप फरोख्त कर दें, उसके बदले में हम आपका जितना भी कर्ज़ा है वो उतार देंगे। उस वक्त खिलाफत उस्मानिया बेतहाशा कर्ज़ों के अंदर डूबी हुई थी। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इनको क्या इनकार कर दिया था कि इस सरज़मीन की कीमत मेरे बाप वे दादा ने अपना खून दे के हासिल की है,
तो मेरे होते हुए तो मैं आपको इस ज़मीन का एक हिस्सा भी नहीं दूंगा, यानी कि एक इंच हिस्सा भी आपको मैं नहीं देने वाला। तो इन्होंने उसके बदले में क्या किया, इन्होंने जो उस वक्त यंग टर्क्स थे उनके साथ मिल के खलीफा के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और उस खलीफा को जलावतन कर दिया गया। और बाकी ज़िंदगी खलीफा ने वहाँ से तुर्की से बाहर यूनान का कोई इलाका था वहाँ पर अपनी बाकी बकिया ज़िंदगी गुजार दी।